मेरा नाम एसएन श्रीवास्तव है। मैं लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आज कोरोना के कारण पूरा देश भयग्रस्त है। राष्ट्रपति से लेकर राजा से लेकर संतरी तक भयग्रस्त है। हमारे लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय संरक्षक और हम तो उन्हें राजनीतिक पैगंबर भी कहते हैं, साथी रघु ठाकुर, उनका तो कहना है कि देश में कोरोना कम सरकार रोना ज्यादा हो गया है और ज्यादा फैल रहा है। तो हमें भी यही स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि सरकार रोना ज्यादा फैल गया है। और मैं अभी 17 तारीख को जबलपुर से लखनऊ आ रहा था चित्रकूट एक्सप्रेस से सेकंड एसी में, तो उसमें हैंडवाश तक नहीं था, टॉयलेट नैपकिन वगैरह से भरी हुई थी। और रेल मंत्री और डीआरएम जबलपुर को ट्वीट करने के बावजूद, फोन करने के बावजूद, गाड़ी जबलपुर से लखनऊ पहुंचाई लेकिन हैंडवाश तक की व्यवस्था नहीं हो। दूसरी चीज कि सरकार को चाहिए था कि आज मोदी जी से रघु ठाकुर जी ने भी पूछा है और हम भी ये पूछना चाहते हैं कि सैनिटाइजर और मास्क को पूर्व की दरों पर बेचने की या सरकार की ओर से उपलब्ध कराने की बात क्यों नहीं आई। आज यही मेट्रो स्टेशन पे जो सरकारी जो कर्मचारी काम कर रहे हैं सफाई का, उनको मास्क और दस्ताने तक नहीं दिए जा रहे हैं, वो बेचारे वैसे काम कर रहे हैं। तो कोरोना को ये महामारी है, जो यात्री टिकट रद्द करा रहे हैं उनका पूरा पैसा क्यों नहीं वापस हो रहा है। हमने ये जो कोरोना पे आदेश हुआ सरकार का, सरकारी आदेश मोदी जी का कि नहीं निकलना है, टिकट रद्द कराई, आजमगढ़ में 22 तारीख को कार्यक्रम था, तो जब 22 का कार्यक्रम का टिकट रद्द हुआ तो पूरा पैसा लेकिन 700 रुपए की जगह 350 रुपए कट गए। तो ये जो कंबल आदि का जो धुलाई का खर्चा है वो सब बच रहा है, पर्दे का खर्चा बच रहा है। तो सरकार तो हमें लग रहा है कि ये कोरोना के नाम पे गरीबों को मास्क और सैनिटाइजर उपलब्ध कराने के जगह पे लूटने का काम कर रही है और दहशत फैलाने का काम कर रही है। और दूसरी चीज कि ये जो घोषणा की गई है बंद करने की, जनता कर्फ्यू, इसे हमारे राष्ट्रीय संसद साथी रघु ठाकुर भी खतरनाक मानते हैं और इसका दुष्परिणाम आने वाले समय में आ सकता है। तो मेरा सरकार से, आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से सरकार से हम आग्रह करना चाहेंगे कि आज लोग घरों में बंद हैं, सबका टेस्ट करा सकती है, परीक्षण करा सकती है, डॉक्टर्स को भेज के केवल टीवी और अखबारों में प्रचार के स्थान पे वो जगह जगह डॉक्टर्स को भेज के और कोरोना की जांच करा सकती है, कोई बीमार है उसको दवा दे सकती है, हर जगह मास्क और सैनिटाइजर उपलब्ध करा सकती है, तो उसको कराए। जो दैनिक जीवन पे मजदूरी करने वाले लोग हैं उनको सरकार ने कहा है कि मैं हम व्यवस्था उपलब्ध कराएंगे उनके मानदेय की, तो किस प्रकार से उनकी व्यवस्था मानदेय के स्थान पे जी, जो गरीब बेचारे मजदूर दिहाड़ी पे जाते थे, मजदूरी करते थे, आप यहाँ देखते होंगे हर चौराहे पे हजारों हजार मजदूर काम की तलाश में खड़े रहते हैं सवेरे, तो उनको कम से कम सरकार को सैनिटाइजर और मास्क के साथ साथ भोजन के लिए राशन और पीने के लिए शुद्ध जल घर घर उपलब्ध कराना चाहिए और साथ ही कोरोना की जांच करनी चाहिए। ये इसके बड़े दुष्परिणाम आ सकते हैं, इससे सावधान
करना ठीक है, लेकिन आप केवल अखबारों में प्रचार कर रहे हो, टीवी पे प्रचार कर रहे हो, जमीन पे कुछ नहीं है। लोग जा रहे हैं सड़क पे, अगर कोई कुछ खरीदने जा रहा है, बच्चे का दूध लेने जा रहा है या बाइक से वो कहीं कोई सामान लेने जा रहा है, तो आपकी पुलिस मार रही है डंडे से। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। सरकार से हम मांग करना चाहते हैं कि सरकार ने बहुत अच्छा किया कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक करके, लेकिन इसके साथ वो सभी को, जो गरीब लोग हैं उच्च वर्ग को छोड़ के, सबको ये मास्क और सैनिटाइजर उपलब्ध कराए घर घर। दूसरा, घर घर जाके डॉक्टर के माध्यम से वो चेक कराएं, और ये उपाय अगर करती है तो अच्छी बात है। दूसरा, गरीबों को राशन और शुद्ध पीने का पानी मुहैया कराए, लोग भूखे मर रहे हैं। हमारे पास सूचना है कि दो दो दिन लोगों को भूखे रहते हुए हो गया, उनके पास पैसा नहीं है, दुकान खुली है लेकिन पैसा नहीं है कि वो जाके खरीद सके। तो लोगों के जनजीवन को ध्यान में रखते हुए ये राशन और जल का, शुद्ध जल का वितरण कराएं, मास्क और सैनिटाइजर उपलब्ध कराएं।